हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम बनाने वाले हैं हरे धनिया की बहुत ही टेस्टी चटनी, जो कि आपको बहुत पसंद आने वाली है। कुछ नए तरीके से मैंने बनाई है, जिससे कि ज़्यादा दिन तक ख़राब भी नहीं होगी और आपको खाने में बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। वैसे भी चटनियाँ किसे पसंद नहीं है, हमारे घर में हमेशा कोई ना कोई टेस्टी चटनी बनी ही रहती है, जो कि हमारे खाने के स्वाद को कई गुना बढ़ा देती है। तो देखिए, इसके लिए हमने यहाँ पे हरा धनिया ले लिया है। इसे अच्छे से धो लेंगे, उसके बाद जो इसकी पीली पत्तियाँ होती हैं वो साफ़ करके अलग कर लेंगे। वैसे भी धनिया बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, इसकी तासीर ठंडी होती है, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है गर्मियों में। तो हरे धनिया की चटनी वैसे भी हेल्दी भी हो गई थोड़ा सा। उसके बाद एक प्याज हमको देखिए मोटा मोटा कट करके यहाँ पर डालना है। दो तीन हरी मिर्ची डाल लें, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 2-3 कलियाँ आपको यहाँ पर लहसुन की डालनी है। ज़्यादा लहसुन आप इस्तेमाल यहाँ पर ना करें, वैसे अगर आप चाहें तो लहसुन यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर डाल लेते हैं हरा धनिया। हरे धनिया को थोड़ा मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है, अच्छे से डाल लेंगे यहाँ पे अंदर को दबाते हुए इस तरीके से। आधी छोटी चम्मच हम यहाँ पे डालेंगे भुना हुआ जीरा और आधी चम्मच हम यहाँ पे डाल लेते हैं नमक। आप नमक स्वाद अनुसार डालें। और देखिए, हम यहाँ पे डाल रहे हैं दही। दही से ही हमारी चटनी जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है और लंबे समय तक ख़राब भी नहीं होगी। आपको यहाँ पर टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, अगर टमाटर डालते हैं तो चटनी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो दही आप यहाँ पर डालें। तो देखिए कितना अच्छा कलर चटनी का आया हुआ है और टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब आने वाला है। उसके बाद इसे अच्छे से ग्राइंड करके हम देखिए एक बोल में निकाल लेंगे। और ये देखिए हमारी हरे धनिया की बहुत ही टेस्टी और हेल्दी चटनी बन के तैयार है। आप रोटी सब्जी के साथ, दाल चावल के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। यकीन मानिए, आपके खाने के स्वाद को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाली है ये चटनी। तो आप ये चटनी ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चटनी कैसी लगी।